यहाँ मोदी जी का जादू नहीं चलने वाला, ना 5 किलो राशन चलने वाला यहाँ पे। राहुल गांधी जी ने महिला के लिए से कहा है कि हर एक साल में एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। मोदी जी ने खुद अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो मंगलसूत्र की मत वो कुछ भी कह सकते हैं, झूठे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष शैलजा सिंह है। हम इनसे बात करते हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली में रुकी हुई हैं और इन लोगों ने बातचीत किया, और क्या बातचीत हुई है इन लोगों के बीच में, और आगे का चुनाव चल रहा है, 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है, हम बात करते हैं। आपका श्रेष्ठ यूपी में स्वागत है। प्रियंका जी रायबरेली में रुकी हुई हैं, आप लोग ने मुलाकात किया, क्या बातें हुई हैं? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे रायबरेली की जनता पे और अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, क्योंकि उस आंधी में देखिए सोनिया जी का चुनाव भी हम लोगों ने निकाला। तो उन्होंने कहा मैं 6 से 18 तारीख रहूँगी, जो हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याएं होंगी वो समस्याएं सुनेंगी, कैसे हम लोग गारंटी योजना जो लाई है, न्याय योजना 5 हमारी हैं किसानों के लिए, और वो इस बात से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस बात से बहुत चिंतित थी कि गरीब परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, तो हम लोग कैसे जाएंगे। पर जो हमारी नेता राहुल गांधी जी ने महिला के लिए से कहा है कि हर एक साल में एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करेंगे, और मिड डे मील आशा बहुओं के लिए हम लोग उनकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, और हम लोग को नौकरियों में भी 50% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। ये न्याय योजना हम लोग को घर घर जाना है, अपनी योजना को बताना है, उनसे वोट अपील करना है। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि रायबरेली की जनता जागरूक है, उसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मोदी जी का जादू नहीं चलने वाला, ना 5 किलो राशन चलने वाला यहाँ पे, क्योंकि 5 किलो राशन हम लोग को अपाहिज बनाता है। हम लोग युवाओं को पैरों पर करेंगे जिससे उनको रोज़गार मिल सके, ये चीज़ उन्होंने हम लोगों को कही। और हम लोग आज क्षेत्र में सारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं और घर घर जाके मिल रहे हैं, गारंटी योजना न्याय योजना बता रहे हैं। जैसा कि बीजेपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से डर गए हैं इसलिए रायबरेली आए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी तो अभी आपने बताया कि बीजेपी मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं ना मंगलसूत्र छीन लेगी। स्मृति ईरानी जी ने आपने देखा है खुद सहेली का मंगलसूत्र छीन लिया, बताने की आपको ज़रूरत नहीं। मोदी जी ने खुद अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो मंगलसूत्र की मत वो कुछ भी कह सकते हैं, झूठे। सबसे झूठी पार्टी कहते हैं लोग उसको, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने मुझे नहीं जाना है। हम लोग को जो सोनिया जी ने विकास किया है, दर पीढ़ी उनकी दादी ने विकास, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो विकास बोलेगा, और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की सीट हमारे राहुल गांधी जी 5.5 लाख से पार जीतेंगे। अच्छा, केएल शर्मा को अमेठी में पहली बार उतारा गया है, और कह रहे हैं कि उनको चपरासी को उतार दिया गया और कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिला है, इसको आप लोग किस नज़रिए से देखिए? नज़रिया अलग अलग है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि 40 साल पुराने वर्कर हमारे जो राजीव गांधी जी के ज़माने से सेवा करते आए, रायबरेली अमेठी जी का विकास करते आए, सारे कार्य एक एक व्यक्ति से परिचित है, एक घर से परिचित है, वो व्यक्ति अगर लड़ेगा तो कितनी अच्छी बात है, जिसने जनता की सेवा किया है रायबरेली में रहकर अमेठी में रहकर, और उसके लिए कोई नया चुनाव नहीं है। हमारे कसुरवाल भाई साहब तो चुनाव लड़ाते रहे हैं, सोनिया जी के प्रतिनिधि यहाँ बराबर चुनाव जिताते रहे हैं, तो उनके लिए मैं तो बताना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी खुद डर गई हैं भाई साहब किशोरीलाल शर्मा जी को देख के, और मुझे पूर्ण विश्वास है काफ़ी लीड से किशोरीलाल भाई साहब जीतेंगे, स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी। 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है, मतदाताओं को लेकर? मतदाता जागरूक है, सारी जनता राहुल गांधी के साथ है, वो तो इंतजार ही कर रही थी, गांधी परिवार आए, हर एक मतलब पूर्ण समर्थन, हम लोग नहीं लड़ा रहे कार्यकर्ता, जनता चुनाव लड़ाएगी अपने परिवार की तरह राहुल गांधी जी को, क्योंकि परिवार मानते थे। तो वही असर मुझे दिख रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी है, दूसरा कोई नाम नहीं है, किसी भी दल में आप जाएंगे सिर्फ राहुल गांधी वोट राहुल गांधी जी को देना है। जैसा कि बीजेपी कहना है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उसमें 1 लाख देना नहीं छीनना लिखा, और महिलाओं की या सरकार बन जाएगी तो उनके मंगलसूत्र जेवर गिरवी रख लिए जाएंगे, क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखिए राजनीति तो कुछ भी कोई कह सकता है, ये उनकी सोच, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी मंगलसूत्र नहीं छीना हमारी नेता ने, आप देख रहे हैं एम्स, रेलवे कोच, निफ्ट, FDI, महिला अस्पताल, नेशनल हाईवे 4-4 सब कुछ सोनिया गांधी का दिया है। तो रायबरेली की जनता सोनिया जी का परिवार है, यहाँ पे उनका जादू मोदी जी का फेकू जी का चलना नहीं है। रायबरेली की जनता सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पे बटन दबाएगी, ये मोदी जी को 4 जून को रिजल्ट देख के समझ में आ जाएगा। इस बार आपका लोग गठबंधन है, कितनी सीटें निकलेंगी?
देखिए गठबंधन में हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, सारी सीटें हमारी निकलेंगी, पूरी हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष शैलजा सिंह थी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।